दीजिए, जेल कर देंगे, पुलिस को जोड़ देंगे, हाइपरलिंक की तरह कर देंगे। राइट बटन क्लिक किए, हाइपरलिंक पर गया, यहां से सेल को सेल के साथ जोड़े, फिर यहां राइट बटन क्लिक किए, हाइपरलिंक किए, यहां मेन मेन्यू के साथ इसको जोड़ दिए, फिर यहां राइट बटन क्लिक किए, फिर यहां राइट बटन क्लिक किए, हाइपरलिंक पर गया, यहां से मेन मेन्यू को मेन मेन्यू के साथ जोड़ दिए। अब यहां पर हमको करना क्या, फॉर्मूला लगाना है, लास्ट बिल नंबर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परचेज इक्वल डबल पोस्ट पी यू आर सी एच ए एस ई परचेज डबल पोस्ट कॉमा एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट बंद। अब यहां से परचेज पर गए और परचेज पर जाकर पूरा बिल नंबर को सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरे बिल नंबर को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट को बंद कर दिए, कॉमा डाले, फिर यहाँ लिखे एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ सेल पर गए, सेल पर से जाकर पूरे यहाँ सेल का बिल नंबर को सिलेक्ट किए, दो ब्रैकेट बंद, एक इफ का एक मैक्स का, इंटर किए तो यहाँ पर परचेज का ऑटोमेटिक आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम उसी तरह सेल का करते थे, यहाँ पर परचेज पर चले जाते, एक डाटा परचेज से उठा लेते, यहाँ गए कॉपी गए, यहाँ से होम मेन मेन्यू पर गए, मेन मेन्यू पर जाकर पेस्ट ट्रांसपोज कर दिए। अब उसके बाद यहाँ बिल नंबर एक यहाँ दे दिए एस ओ एच ए एन सोहन सी पी यू, यहाँ दे देते 30 पीस, डेट देते 12000 रुपया। व्यू पर जाते हैं, मैक्रो पर, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ लिख दिए एस ए एल ई सेल, ओके, फिर इसको सेलेक्ट किए, होम पर गए कॉपी किए, सेल पर गए यहाँ से क्लिक किए और यहाँ से ट्रांसपोज कर दिए। अब यहाँ पर क्लिक किए, इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट करने के बाद मेन मेन्यू पर गए, मेन मेन्यू से फिर नीचे कर्सर को रख के फिर देन इसको सेलेक्ट किए, डेल मारे, फिर माइक्रो को यहाँ से बंद कर दिए, राइट बटन क्लिक किए, असाइन माइक्रो पर गए, सेल पर सेल के साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पर सेल वाला गए, यहाँ से सेल लग, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ गया, बच गया मेरा स्टॉक, स्टॉक को हम इक्वल किए, यहाँ पर से आइटम नेम सेलेक्ट किए, इंटर किए, इक्वल डबल पोस्ट ग्रेटर देन लेस देन डबल पोस्ट, इंटर किए। अब यहाँ पर फिर से हम चले जाएंगे व्यू पर, माइक्रो पर, रिकॉर्ड एस टी ओ सी के स्टॉक, इंटर किए, डाटा पर गए, एडवांस कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज पर गए, यहां से परचेज आइटम नेम पर सेलेक्ट किए, यहां क्लिक किए, क्राइटेरिया रेंज पर गए, क्राइटेरिया रेंज पर यहां से इसको सेलेक्ट किए, कॉपी टू पर गए, कॉपी टू पर यहाँ सेलेक्ट किया, यूनिक रिकॉर्ड चालू, ओके कर दिए, यहाँ ऑटोमेटिक डाटा आ गया। व्यू पर गए, माइक्रो को यहाँ से स्टॉप कर दिए, राइट बटन यहाँ क्लिक किए, राइट बटन उसको क्लिक किए, ओके किए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन परचेज पर गए, यहाँ से परचेज पर पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिए, सॉरी आइटम नेम को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा डाले, स्टॉक पर गए, स्टॉक पर से इस पर क्लिक किए और यहाँ से फिर परचेज पर गए, परचेज वाले पूरे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद, इंटर, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन किए, फिर सेल पर गए, सेल पर आइटम नेम पर सिलेक्ट किए, कॉमा डाले, आइटम नेम को पूरा सेलेक्ट किए, कॉमा डाले,
यहाँ से स्टॉक पर गए, स्टॉक पर से मॉनिटर को सिलेक्ट किए, कॉमा डाले, फिर यहाँ से सेल पर गए, क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद, इंटर, इक्वल ब्रैकेट ओपन, परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर परचेज पर मेन मेन्यू पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर परचेज पर गए, यहाँ पर से हम डाटा डालते, 1/12/22, बिल नंबर 3, RAJ राज, आइटम नेम माउस, क्वांटिटी 50 पीस, 200 पीस। अब यहाँ पर परचेज पर क्लिक किए तो देखिए परचेज पर तो ये चला गया, चला आया, मगर स्टॉक पर अभी तक ये क्वांटिटी नहीं आया है, ना आया है। इसको सिंपली क्या किया, रिफ्रेश कर दिए, स्टॉक पर भी मेरा क्वांटिटी इंडिकेट कर गया। अब इसको सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ ऑफिस बटन पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे, यहाँ से चुनेंगे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक, यहाँ से कोई फाइल नाम सेव कर देंगे।